अरे तुम्हारे एक पैर की पायल ही नहीं है। आई थिंक शायद वहां गिर गई होगी। नहीं वो घूम गई थी। बट फिर तुमने दी से क्यों नहीं लिया? हमने आपको बताया था ना लावण्या जी, वो हमारी अम्मा की निशानी है, इसलिए हमने उतार के कोई और पायल नहीं पहनी। ओह हाँ। चलिए। छोटे, नानी तुमसे कुछ कहना चाहती है। हम ख्वाब में भी ना ही सोचे रहे कि हम ये बात कहेंगे, पर जैसन आज मिस कसब ने। ओह गॉड नानी, अब क्या हुआ? हमने पूरी बात सुनिए छोटे। आज जैसन मिस कसब ने अपने दोस्तों से बात की, जिस तरीके से उनके सामने शहजादा परिवार का मान रखा, हमका बहुत अच्छा लगा। हमका आज एक अलग ही मिस कसब दिखी। शायद हमारी आंखें उन्हीं मिस कसब को ढूंढत रही। यस चमकीली, तुमने सही सुना, नानी जी ने फाइनली मुझे एक्सेप्ट कर लिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, थैंक यू सो मच। वो क्या कहते हैं, अब शुरू किया? शुरू किया नहीं लावण्या जी, शुक्रिया, और आपके थैंक यू के लिए वेलकम। अब ए साल मुझसे जरूर शादी करेंगे। आज हम फैसला लेवत हैं। आपके और मिस कसब के ब्याह से हमका कौनो इतराज ना है। छोटे क्या हुआ, कुछ तो बताओ क्या हुआ। नानी अगर आपको लग रहा है कि आपके ये सब कहने से मैं लावण्या से शादी कर लूंगा तो आपको गलत लग रहा है। छोटे आप जरा धीरे से सोच विचार लीजिए, आज नहीं तो कल गृहस्थी शुरू करे के पड़े। पता नहीं खुशी जी के लिए और क्या क्या देखना पड़ेगा। अंजलि जी, अंजलि जी, अंजलि जी, अंजलि जी, खुशी